राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से अभी अभी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 10, परीक्षा 2023। आज की तिथि यहाँ पर इंगित की गई है। बताया गया कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 12/9/2023 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 20/9/2023, आवेदन की अंतिम तिथि और संशोधन की तिथि 17/10/2023 निर्धारित की गई है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, यही विज्ञापन है और 693 व 16 पदों को लेकर कुल मिलाकर 709 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो आवेदन करिए अगर आपके परसेंटाइल अच्छे हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता क्या मांगी जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले आप जो है पेट क्वालिफाई हैं तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। पेट क्वालिफाई हैं, आवेदन कर दिए, अगर आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 5200 से लेकर 20200 रुपये ग्रेड पे, 1900 रुपये मैट्रिक लेवल 2 की यह भर्ती है। अनारक्षित के 333 पद हैं वन जीव विभाग में, और अनुसूचित जात के 189, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 97, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी कि ईडब्ल्यूएस के 69, कुल मिलाकर 693 और 16 पद हैं वन जीव विभाग में वन जीव रक्षक के। तो एक पद है वन रक्षक, एक पद है वन जीव रक्षक, दो प्रकार के पद हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हर एक जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। हर एक जानकारी कोई ऐसी जानकारी है जो नहीं दी जाती हो। शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक वन जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक वन जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अधिमान्य अर्हता में उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक वन जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, पूरा विज्ञापन अगर आपको देखना है तो आप आरसीएन न्यूज टुडे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको पूरा विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।